अपना HbA1c चेक करवाइए, अगर आपका HbA1c 5.8 से 6.4 के दरमियान में है तो इसका मतलब ये है कि आप प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ फरहान राशिद है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निश्तर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहा हूँ मुल्तान में, और के प्लस हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से डायबिटीज़ के मुताबिक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल दुनिया में 14 नवंबर को डायबिटीज के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, तो हर साल की तरह इस साल भी हम पूरी दुनिया के लोग मिलकर इस दिन को मना रहे हैं। और इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि हम अपने आवाम में इस बात की आगाही पैदा करें कि दरअसल डायबिटीज है क्या, और डायबिटीज के फैलाव के बारे में बात करें और ये बताएं कि डायबिटीज कैसे फैलती है और इसका तदारुक, इसको रोका कैसे जा सकता है, और फिर इसकी इलाज के मुतालिक। जहाँ तक ताल्लुक़ है डायबिटीज का, कि डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और दुनिया भर में इसके मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज के मरीज़ों की तादाद के हवाले से चौथे नंबर पर है, दुनिया में चौथे नंबर पर है, और ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज से मुतासर है। और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2045 में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा शुगर के मरीज़ों की तादाद के हिसाब से। डायबिटीज 3 किस्म की होती है, एक कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़, एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी हमल की डायबिटीज। टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क ये होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन बच्चों में होती है या टीनेजर्स में होती है, जिसमें इंसुलिन की जिस्म में कमी हो जाती है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन पा रही होती, जिसे इस कमी को दूर करने के लिए बाहर से इंसुलिन देना पड़ती है। दूसरी किस्म होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो अमूमन मिडल एज में जाके होती है, 30-40 साल की उम्र के बाद जाके होती है, और अमूमन उन लोगों में होती है जिनके अंदर या तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, यानी आपकी फैमिली में वालिद वालदा नाना दादा चचा मामू खाला इन लोगों में पाई जा रही होती है, तो एक तो विरासत के साथ इसका ताल्लुक है। दूसरा आजकल के हवाले से जो इसका जो ताल्लुक है वो है हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, हमारे यहाँ हम लोग गेम्स नहीं करते, हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, हम लोग रेगुलर वॉक नहीं करते, दिन ब दिन हमारे लोगों में फिर जंक फूड खाने का बहरान खाने का हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रुझान होता जा रहा है कि लेट नाइट खाना, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, शवारमाज, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये वो चीज़ें हैं जो कि वेट के बढ़ाने का बाइस बनती हैं। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियां हमला आवर होना शुरू हो जाती हैं। शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, एक दफ़ा शुगर हो जाए तो इसको कंट्रोल करके इसकी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। शुगर की पेचीदगियों से बचने के लिए शुगर का बेहतरीन इलाज ज़रूरी है, और शुगर के इलाज के सिलसिले में अर्ज़ ये है कि इसमें 3 मुख्तलिफ चीज़ें, दो चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं, एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा है इसके लिए प्रॉपर अपने फिजिशियन को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाकर आप इसकी प्रॉपर मेडिसिन लें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के मुतालिक मैं कहना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें तो हम हत्ता कि हम शुगर से बच भी सकते हैं, और शुगर के मरीज़ अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें तो शुगर के मरीज़ों में शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो कम अज़ कम 30 से 40 मिनट की हर रोज़ की वॉक और या हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और इसके अलावा ख़ुराक में मीठा और चिकनाई,
इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल। जब एक दफ़ा शुगर हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होती, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल करके इसकी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। जैसे शुगर सर के बालों से देखकर पांव के नाखूनों तक हर चीज़ को मुतासिर करती है, बिनाई मुतासिर हो सकती है, गुर्दों गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, फालिश के अटैक्स हो सकते हैं, दिल की तकलीफ़ हो सकती है, फिर पांव पे ज़ख़म हो जाते हैं, बाज़ों का वो नहीं छूटते, और इसके अलावा आसाबी निज़ाम के मसले। तो शुगर हर चीज़ को, हर ऑर्गन को मुतासिर कर सकती है, इसलिए शुगर का बेहतरीन कंट्रोल करना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा इसमें जिस चीज़ का रोल होता है वो है दवाई। अब दवाई इसमें, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन के अलावा कोई और हल नहीं होता, इंसुलिन ही टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए दी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में गोलियों से भी शुगर कंट्रोल हो सकती है अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए और साथ में प्रॉपरली टैबलेट्स एडवाइज़ की जाएँ तो शुगर कंट्रोल हो सकती है। बाज़ मरीज़ों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे मरीज़ जिनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है उनको प्रॉपरली अपनी इंसुलिन भी साथ में एडवाइस करवानी चाहिए। कम से कम अपना अपने लेवल्स को, अपने टारगेट्स को जानिए। आपका टारगेट HbA1c अगर आपको शुगर नहीं है तो आपका HbA1c 5.7 से नीचे होना चाहिए। अपना HbA1c चेक करवाइए। अगर आपका HbA1c 5.8 से 6.4 के दरमियान में है तो इसका मतलब ये है कि आप प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। और अगर आपको पहले से शुगर है या आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा रहती है या रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा रहती है या आपका HbA1c 6.5 या इससे ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपको शुगर है और आपको इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना है। ऐसे लोग जो टाइप जो प्री डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, जैसे हमने जिक्र किया कि HbA1c 5.8 से 6.4 के दरमियान हो या फास्टिंग आपकी 100 से 125 के दरमियान में रहे या रैंडम 140 से 199 के दरमियान रहे, तो ऐसे लोगों को अपना वेट कम करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है और रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। अगर ये कर लें तो शुगर से बचा जा सकता है। तो मेरा पैगाम यही है कि हम एक उसूल अपनाएं कि आज से थोड़ा कम खाएं। हमें अपने खाने पीने पर नज़र रखनी है, हमें रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करनी है और अपने मालिक से अपना चेकअप करवाकर अपने लिए प्रॉपरली दवाई प्रेस्क्राइब करवानी है और फिर उसको वक्तन फवक्तन अपनी शुगर को चेक भी करना है और डॉक्टर से मुआयना भी करवाना है। ख़ास तौर पर ये जो अब हालात चल रहे हैं COVID-19 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि COVID-19 शुगर के मरीज़ अक्सर व बेशतर ये सवाल करते हैं कि क्या COVID-19 की वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। जी, शुगर के मरीज़ COVID-19 की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं और मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला, समाजी दूरी इख्तियार करें, कम अज़ कम 6 फुट का फासला रखें। अल्लाह हम सबको शुगर, COVID-19 और इस तरह की तमाम अमराज से बचाए। बहुत शुक्रिया।